नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। केकेआर ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है, बहुत रोमांचक जीत दर्ज की है किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं केकेआर की जीत के आज के मैच में पांच हीरो कौन रहे। तो सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो तो मैं दिनेश कार्तिक को ही मानूंगा, क्योंकि क्या विस्फोटक उन्होंने इनिंग्स खेली। बहुत फंस के केकेआर की बैटिंग चल रही थी, लेकिन कार्तिक आए, तूफानी अंदाज में मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाए और स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक वो ले गए। 164 रन उन्हीं की बदौलत बन पाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 29 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिस वजह से उनकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। इसके अलावा दूसरे हीरो रहेंगे मेरे शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार 57 रन बनाए। 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन 57 रन बनाए ये काफ़ी था। तीसरे हीरो मेरे लिए रहेंगे ओयन मॉर्गन, जिन्होंने शुभमन गिल के साथ एक बीच की अच्छी पार्टनरशिप की। विकेट गिर गया था नीतीश राणा का भी जल्दी, राहुल त्रिपाठी का भी, लेकिन फिर मॉर्गन और शुभमन गिल ने थोड़ा सा संभाला। उसके बाद दिनेश कार्तिक को थोड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था, उन्होंने आकर शानदार बल्लेबाजी की। इसके बाद चौथा हीरो मैं मानूंगा सुनील नारायण को। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और 2 विकेट लिए, और ये जो 2 विकेट थे ना, इन्होंने ही पूरा मैच पलट दिया। क्योंकि सुनील नारायण के 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर, 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो उन्होंने आउट किया निकोलस पूरन को, जब सिर्फ और सिर्फ 21 रन चाहिए थे, मैच वहीं से पलटा। इसीलिए हीरो मेरे सुनील नारायण भी रहेंगे, और साथ ही साथ पांचवें हीरो रहेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। यानी सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज केकेआर के प्रसिद्ध कृष्णा ही रहे, उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन्हीं की वजह से केकेआर की टीम इतने रोमांचक मुकाबले में, एक हारे हुए मुकाबले में जीत गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।